हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसे आप चाहें तो डबल कलर में बना सकती हैं और आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में बना सकती हैं। आप बची खुची ऊनों से भी इसको बना सकती हैं। ये डिज़ाइन बनाने में इतनी सरल है कि इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप बच्चों की फ्रॉक, कार्डिगन, जैकेट, कोटी और टोपी में डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने अनुसार फंदे डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक मेन कलर लगाया है और उसका ये सेकंड कलर है और ये थर्ड कलर मैं लगाने जा रही हूँ। अब थर्ड कलर जब हम लगाएंगे, जब डिज़ाइन शुरू करते हैं, 6 रो की डिज़ाइन है, किस तरह से शुरू करते हैं, पूरी रो हम जो फर्स्ट रो है उसको सीधे सीधे फंदों से बनाते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, सीधे सीधे फंदों से बनाई जाती है। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं। पहला फंदा हम जैसे स्लिप करते हैं वैसे स्लिप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे उल्टा बिन भी सकते हैं। इसके बाद वाला फंदा डिज़ाइन के लिए हम स्लिप कर लेंगे, क्योंकि हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसमें एक फंदा स्लिप होना है, इसलिए स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद वाला फंदा सीधा बना लेंगे। डिज़ाइन में क्या करना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुनना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिज़ाइन की सेकेंड रो जो कि बैक साइड से, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुनना है। इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है। यहाँ हम सेकंड कलर से 2 रो बना चुके हैं। अब हम मेन कलर से बनाएंगे। मेन कलर की 4 रो बनाई जाती हैं, तो इस रो में हम क्या करेंगे, पूरी रो हम सीधे सीधे फंदों से बनाएंगे। डिजाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है, सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। हम डिजाइन की 4th रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इसके बाद सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। डिज़ाइन की 4th रो बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। अब हम डिज़ाइन की 5th रो पर हैं जो कि राइट साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये डिज़ाइन हमारी, ये रो जो है हमारी मेन कलर से ही बनाई जाएगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो फंदा लूज पड़ा हुआ है, इस फंदे को हम लेंगे, ये लूज वाला फंदा जो कि पड़ा हुआ है इसको लेंगे और इस फंदे को लेंगे, इन दोनों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसी तरह से ये नीचे से फंदा उठाएंगे और ये फंदा लेंगे, दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा इस तरह से बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिजाइन की 5th रो जो कि राइट साइड से है, हमें इसी तरह से बनानी है। अब हम डिज़ाइन की लास्ट रो पर हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये डिज़ाइन की 6th रो है जो कि बैक साइड से है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर 6 रो बना करके मैं एक बार डिज़ाइन बना चुकी थी और यहाँ पर मैंने 6 रो बना करके एक बार डिज़ाइन बना ली है। एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 2 रो मेन कलर की प्लेन बिनी थी, यानी कि मैंने राइट साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाई थी और बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाई थी। आप भी इस डिज़ाइन के बाद 2 रो बना सकती हैं सीधे और उल्टे फंदों के, और आप चाहे तो 4 रो का भी गैप दे सकती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचने में आप सभी का काफ़ी सहयोग रहा है। आप सभी ने भरपूर प्यार दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपका ये सहयोग और ये प्यार इसी तरह से बना रहे और मैं आपके लिए रोज ही एक नई डिज़ाइन और एक नया वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो फिर मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।